नमस्कार दोस्तों, आरक्षण की मांग को लेकर गुज्जर समाज के लोगों ने आज धौलपुर में जो पथराव और आगजनी की, आपको बता दें आंदोलनकारियों की चपेट में 5 पुलिसकर्मी भी आ गए, यानी कि 5 पुलिसकर्मी वो घायल हो गए हैं। पुलिस की 3 गाड़ियों में भी आग लगा दी गई है और पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। धौलपुर के NH 3 पर काफ़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी है वो इकट्ठा हो गए थे, अब धौलपुर में है वो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार आंदोलनकारियों ने पुलिस की 3 गाड़ियों को जला दिया और काफ़ी हिंसक प्रदर्शन लोगों ने किया। अब धौलपुर में जो भारी संख्या में है वो पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना के बाद प्रशासन के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुँच कर जायजा लिया। तो धीरे धीरे अब गुज्जर आंदोलन अब उग्र रूप धारण करने लगा है। तो ये जो तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये सी धौलपुर की तस्वीरें हैं जहाँ पे आज गुज्जर समाज के लोगों ने काफ़ी संख्या में इकट्ठा होके यानी कि उग्र आंदोलन का प्रदर्शन किया। आपको बता दें आरक्षण को लेकर गुर्जर है वो अब पहले रेल की पटरियों पर थे लेकिन अब सड़कों पर भी आ गए हैं। तो देखिए सीधी तस्वीरें आप धौलपुर से देख रहे हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम आपको सभी प्रकार की न्यूज़ सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे।